नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। गुस्से में शहनाज ने दीवार पर मारा घूसा, असीम ने हाथ में बांधी पट्टी। जी हां, बिग बॉस 13 में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच का खट्टा मीठा रिश्ता फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। सिद्धार्थ और शहनाज एक पल में एक दूसरे से लड़ते हैं और दूसरे ही पल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब बीते कुछ दिनों से शहनाज और सिद्धार्थ के बीच दोस्ती कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर शहनाज ने क्यों मारा दीवार पर घूसा। दरअसल शहनाज की पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा से लड़ाई हो गई है। अपने बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ का पारस और माहिरा से बात करना शहनाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ को शहनाज का रश्मि, अरहान और असीम से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। शहनाज सिद्धार्थ से कहती हैं कि वो माहिरा और पारस से दूर रहें, लेकिन सिद्धार्थ फिर उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सिद्धार्थ को माहिरा और पारस के साथ देखकर शहनाज को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सिद्धार्थ से लड़ाई कर लेती है एक बार फिर से और रोते हुए गुस्से में दीवार पर घूसा मारती है। इसके बाद असीम शहनाज के हाथ पर पेन रिलीफ स्प्रे लगाकर पट्टी बांधते हैं। वहीं मधुरिमा शहनाज से मजाक करते हुए कहती है कि पट्टी बांध लो, ज्यादा टेंशन मिलेगा। लेकिन बाद में शहनाज सिद्धार्थ से गले मिलकर अपनी नाराजगी दूर कर लेती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरह से शहनाज का गुस्सा काफी तेज है। वो जहाँ पर चुलबुली है तो वहीं पर उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा देखा जाता है। हाल ही में शहनाज को फूट फूट कर रोते हुए भी देखा गया। तो इस तरह से शहनाज का गुस्सा और शहनाज का चुलबुलापन घर में अक्सर देखने को मिलता है। और अब शहनाज को गुस्सा इतना ज्यादा आया कि उन्होंने रोते हुए गुस्से में दीवार पर ही घूसा मार दिया और लग गई हाथ पर कुछ इस तरह से चोट। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।